जहन दोस्तों, आज बात करूंगा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की। यानी इसके लिए दो लेटर निकल चुके हैं, मार्च के हैं, और सीलिंग कॉलिंग ऑफ प्रीमेच्योर एप्लीकेशन ऑफ सीजी, और ये निकला है, और दूसरा है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी का लेटर का, पीएमआर कोटा में बढ़ोतरी हुई है। हाँ जी दोस्तों, आपका प्रीमेच्योर कोटा बढ़ गया है और आप प्रीमेच्योर जा सकते हैं। जैसा कि सेना के अंदर सभी जानते हैं, कोई भी इंडिविजुअल प्रीमेच्योर नहीं जाना चाहता है, पर उसके परिवार की घर की कंडीशन उसको बेबस और मजबूर कर देती है, और वो चाहता है कि हमें इसी तरीके से मैं देश की सेवा करूं, मुझे तनख्वाह सैलरी सब अच्छी मिलती, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी जिसके कारण हमें प्रीमेच्योर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं दोनों लेटर आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ये भी शेयर करूंगा कि आने वाले में यदि आप प्रीमेच्योर आ रहे हो तो आपको क्या नुकसान होगा, ये जरूरी जानना है। किस चीज़ में नुकसान होगा, किस में नहीं होगा और किस में फ़ायदा होगा, तीनों चीज़ों के ऊपर आपसे मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले ये लेटर है 9 मार्च का, और ये एमओडी दिल्ली का, उसमें लिखा है कॉलिंग ऑन प्रीमेच्योर एप्लीकेशन ऑफ सीजी, यानी आप कंपेंसेशन ग्राउंड एप्लीकेशन फॉर प्रीमेच्योर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन कंपेंसेशन ग्राउंड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजायर जेसू एंड वार फॉर ऑल ट्रेड मे बी फॉरवर्ड डायरेक्टली रिकॉर्ड फॉर 4 मई 2000, यानी कट ऑफ डेट ऑफ कंसिडरेशन पीएमआर एप्लीकेशन इन 4 मई 2024। उन्होंने कहा है द सब्जेक्ट प्रीमेच्योर बोर्ड बींग कंडक्टेड, उन्होंने कहा है ये 4 मई 2024 तक किसी पर्टिकुलर के लिए बोला गया है कि आप अपनी एप्लीकेशन भेजिए, लेकिन कोटा बढ़ा है इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिसको आराम से समझेंगे। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी का एक लेटर है, पीएमआर कोटा फॉर जेशुआर फर्दर टू दिस ऑफिस नोट सो एंड सो 6 अप्रैल 2023 द कंपेटेंट अथॉरिटी हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर रिविजन ऑफ पीएमआर कोटा ऑन कंपेंसेशन ग्राउंड इन रेस्पेक्ट ऑफ जेशुआर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025 एंड रेज टू 1% ऑफ द एक्चुअल या ऑथराइज स्ट्रेंथ विच हैवर इज लेस ऑन ओवरऑल रेजिमेंट अबल को बेसिस ड्यूरिंग योर रिक्रूटिंग ईयर द परसेंटेज डज नॉट इंक्लूड रिलीज ड्यू टू सुपरमेनियंस द सेम एज WTH। आप समझ सकते हो कि आपका प्रीमेच्योर का कोटा बहुत दिनों से डिमांड थी, वो बढ़ गया है, 1% कर दिया, लेकिन 1% किया है 1 जुलाई 2024, यानी ट्रेनिंग ईयर से, यानी एक ट्रेनिंग ईयर होता है, हमने जैसे फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, ट्रेनिंग ईयर, तो ट्रेनिंग ईयर में आप 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के लिए 1% आपका कोटा बढ़ा दिया गया है, आप इसका लाभ ले सकते हो। और उसमें जो लोग अपनी कलर सर्विस करके जा रहे हैं वो इंक्लूड नहीं है, और वो आपकी यूनिट की जो आपकी ऑथराइज स्ट्रेंथ है उसके ऊपर है, ये भी एक बड़ी बात है। हेल्ड के ऊपर होता है तो कम पड़ता, लेकिन ये अच्छी बात है। उन्होंने दिया है सीरियल नंबर ग्राउंड्स ऑफ पीएमआर डिस्चार्ज ऑन कंपेंसेट ग्राउंड पीएमआर कोटा 1% प्योर अकोरेंस ऑफ HOAS लेज इन्फेंट्री विल बी रिक्वायर्ड फॉर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स प्योर कंकरेंस ऑफ CUR विल रिक्वायर्ड। और उन्होंने कहा है डिस्क्रिप्शन डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑफ OIC रिकॉर्ड्स, उन्होंने कहा डिस्चार्ज ऑन मेडिकल ग्राउंड 1% एज अर्लियर नो चेंज इन प्रोसीजर, यानी जो कंपेंसेशन ग्राउंड का कोटा आपका 0.5% था उसको 1% कर दिया है, और उन्होंने बोला है आपका जो भी CO है जो उसके ऊपर भी निर्भर करेगा, और जो मेडिकल ग्राउंड पे थे उनका 1% पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। दिस नॉट सुपरसीडेड MP3 नोट कोटेड, और ये आप ये लेटर देख सकते हो, तो ये आपके लिए एक राहत भरी बात है दोस्तों। तो आपने देखा कि कोटा चेंज हुआ है, एप्लीकेशन मांगी जा रही है, लेकिन 1 जुलाई 2024 से है, तो आप समझ सकते हो कि जो भी लोग अपनी व्यवस्था में हैं, समस्या में हैं, प्रॉब्लम में हैं, मेडिकल प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ को अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि इसके आने के बाद यदि आप प्रीमेच्योर पेंशन आ रहे हैं या आप पूरी सर्विस करके आ रहे हैं, सपोज करो आप एक हवलदार हैं, आप 24 साल सर्विस करके आ रहे हैं, और आप एक हवलदार हैं, आप 22 साल करके प्रीमेच्योर आ रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों, हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे आपको मंथली पेंशन है, वो आपके फाइनल FSC के हिसाब से मिलेगी, यानी जिस दिन आप जितनी पेमेंट ले रहे हो उसका आधा आपको उसी हिसाब से आपकी मासिक पेंशन मिलेगी, उसी हिसाब से आपकी ग्रेचुटी कैलकुलेट होगी, उसी हिसाब से आपको कम्यूटेशन मिलेगा, और जो भी आपकी AGI होगी, यानी जो आपको मॉनिटरी बेनिफिट है वो सेम मिलेंगे। यदि 24 साल वाला आया तो 24 साल वाले की जो लास्ट दिन
उसका पेमेंट है उसके हिसाब से सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो, तो ना ही आपकी मंथली पेंशन में कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही आपकी ग्रेचुटी में कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही आपके कम्यूटेशन में, ना ही आपकी एजीआई में, ना ही आपके लीव इन कैश में, ना ही आपके एफी फंड में, ये सारी चीजें बराबर है। होता क्या है आने के बाद यदि आप डीएससी में जाना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बिल्कुल आप एक्स सर्विस मैन है उसका भी कोटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि जो अभी वन रैंक वन पेंशन वाला प्रपोजल है, यानी कि अब जितनी आप बेसिक पेंशन में आओगे आजीवन आपके वो फिगर रहेंगे, तो अभी आपको हाल फिलहाल 5-10 साल में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लंबा जब चलोगे तो आपके साथियों की लगभग आपसे एक डबल भी हो सकती है आपकी लाइफ में, या कम से कम 25-30% ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी नहीं, बाकी इनकी बेसिक पेंशन हर 5 साल बाद लगभग आप समझ सकते हो 5-7% बढ़ती रहेगी, ये प्रावधान है। तो पहले ये प्रावधान ऐसा नहीं था, लेकिन 1 जुलाई 2014 के बाद जितने हमारे रिटायर्डीज हैं जो प्रीमैच्योर आए हैं उनके लिए ये शायद ये सेटबैक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके और बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं, यदि आपकी एबिलिटी है अपने आप को सिविल में प्रूफ करने की, अपना बात पैसे की है कमाने की, तो आप निश्चिंत रूप से आ सकते हो और अपने काम कर सकते हो। दोस्तों, तो ये था प्रीमैच्योर के ऊपर अपडेट। जैसा कि बहुत सारा एक कोर्ट में भी मामला गया था, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी की फैमिली कंडीशंस खराब है नहीं है तो उसको सेना जबरदस्ती न कराए, उसको प्रीमैच्योर का प्रावधान है 15 साल के बाद उसको भेज सकती है, लेकिन इसके ऊपर सेना को पुनर्विचार करना चाहिए। हो सकता है अभी सेना उस दौर से गुजर रही जहां पर बहुत सारी मैन पावर की कटौती हो रही है, आपने देखा होगा 2027 तक 1 लाख की और कटौती की है और मैन पावर को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा रहा है और जितने LMC हैं उनको निकाला जा रहा है, तो इस दौर में अग्निवीर भी आ गए, तो बहुत सारी समस्याएं उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के डिसीजन ले गए। लेकिन आपका डिसीजन आप अपने विवेक पर लेना होगा। धन्यवाद।